गुड मॉर्निंग, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम लोग भी ठीक हैं यहाँ पे, और हम लोग उठ गए हैं अभी और सुबह के बज चुके हैं 9:30 का वेदर। आज फिर एक अच्छा दिन है, सनी है काफी। अब हम रिफ्रेश होंगे, चाय वगैरह पियेंगे, और बेबी का यहाँ पे उसको ब्रश करने का बहुत शौक है। चलो फिर करते हम अपना दिन यहाँ से शुरू, और थोड़ा सा शुरुआत करने के बाद आपसे बात करते हैं हम लोग आज बैठ के। तब तक के लिए बाय। हमें जाना है ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, तो हम लोग जा रहे हैं बाहर। वो मनोज जो है जाएगा ग्रोसरी शॉपिंग, मतलब लाइक शॉप में लेने के लिए। हम लोग सिर्फ गाड़ी में बैठे रहेंगे। बेबी को बाहर घूमने को मन था, इसलिए इसको बाहर लेके आए हैं। ये देखो, इसको फुल आजादी मिल जाती है बाहर निकलते हैं। वाह देवी, आ रहे हो? चल ना, हम जा रहे हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। कौन सी है पापा की कार? कौन सी है? नो, ये नहीं है पापा का, इट्स अ टायर। यस, टायर बता रहा है, टायर है वो। नो 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 नो, पानी में जंप मारेगा, पानी में जंप मारेगा। कहाँ है मामा का? ये देखो, जंगली घास में भी कितना खूबसूरत दिख रहा है ये फ्लावर्स। ये सीजन में हो जाते हैं अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ पे। मैं आ गई हूँ यहाँ पे ग्रोसरी लेने के लिए। मैं आई हूँ और बेबी मनोज के पास है। ट्रॉली यहाँ से ले ली मैंने, और अब चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। मुझे कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल लेने हैं। सबसे पहले हम फ्रूट लेंगे। फ्रूट जो है हमारे घर में आरव के लिए बहुत यूज होते हैं, और हम भी यूज करते हैं फ्रूट्स, आप लोग भी खाते हैं। हर तरह के फ्रूट यहाँ पे मिल जाते हैं, सीजन हो या ना हो। चलिए लेते हैं यहाँ से थोड़ा फ्रूट। स्ट्रॉबेरी मुझे चाहिए, सबसे पहले स्ट्रॉबेरी लेती हूँ, क्योंकि मुझे जैम बनाना है, और मैं जैम जो है घर पे ही बना देती हूँ। 2 पैकेट स्ट्रॉबेरी यहाँ से मैं ले रही हूँ, और उसके बाद जो है हम और देखेंगे। इसका प्राइस जो है आज स्ट्रॉबेरी का 199, एक बॉक्स का है 1 LB, यानी कि आधे किलो से भी कम है ये। और अब चलते हैं आगे और देखती हूँ मैं क्या क्या मुझे लेना है। ये देखिए, कटहल मिल गया मुझे यहाँ पे। कटहल बहुत दिन से खाने का मन है मेरा, पर जो है यहाँ पे ये एकदम फ्रूट के जैसे ही यूज करते हैं लोग। कच्चा कटहल नहीं मिलता सब्जी बनाने के लिए, एकदम पीला होने के बाद जैसे फ्रूट खाते हैं ऐसे यहाँ पे लोग ये खाते हैं कटहल फ्रूट के लिए। नहीं ले रही हूँ मैं कटहल। अब चलते हैं आगे। देखिए, पेपर ऑरेंज कलर का बेल पेपर मिल जाता है, कैप्सिकम जिसको बोलते हैं हम। सब तरह के रंग के मिलते हैं यहाँ पे, बहुत रंग के। ये जो है जुकिनी है, ये अपनी तोरई के जैसे सब्जी इसकी बनती है, और मुझे थोड़ा खीरा भी लेना था। अब यहाँ पे है ग्रेप्स लेने हैं। आरव को ग्रेप्स बहुत पसंद है, और मेरे हस्बैंड को भी, वो मैं ले लेती हूँ। तो ब्लैक ग्रेप्स मैं ले लेती हूँ, अच्छे लगे हुए हैं, सेल पे भी हैं, तो यही मैं लेती हूँ आज ब्लैक ग्रेप्स। आरव जो है स्किन पील करके खाता है ग्रेप्स को, इसलिए मुझे सॉफ्ट वाले लेने पड़ते हैं थोड़े से, वरना एकदम फ्रेश जो होते हैं उनकी स्किन पील ही नहीं होती है। और ये देखिए, यहाँ पे मिला मुझे पपीता। पपाया बहुत लोगों को पसंद नहीं होता, पर मुझे बहुत पसंद है, और हेल्दी भी होता है, आप लोगों को पता ही है। अगर जिसको पसंद नहीं है ना पपाया, उसका शेक बना के भी पी सकते हैं। शेक इसका बहुत स्वाद लगता है, बहुत टेस्टी होता है शेक पपाया का, और हेल्दी बहुत होता है पपाया सेहत के लिए। चलिए ले लेती हैं यहाँ से एक, और आगे चलते हैं देखते हैं और क्या लेना है। देखिए यहाँ पे जो है सब्जियाँ सारी इस तरह से कटी हुई भी मिलती हैं यहाँ पे, रेडीमेड जिसको बोलते हैं। देखिए, मशरूम स्लाइस करके ऑलरेडी रखा हुआ है, आपको काटने की जरूरत नहीं है, सीधा बनाओ। ये देखिए, और वेजिटेबल भी जो है अलग अलग शेप में काटी हुई हैं, रेडीमेड एकदम, बस पैकेट खोलो और बना लो, काटने की जरूरत नहीं है। यहाँ की जिंदगी जो है लोगों की बहुत भाग दौड़ की है, तो उनको थोड़ा टाइम कम होता है, ऑफिस जाने वाले हैं। तो इस तरह से देखो, प्याज भी चॉप करके अलग अलग शेप में काटे हुए हैं, इनको बस लेके जाओ, और आपको जिस तरीके से पकाना है उस तरीके से पका के काटने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, चना भी है यहाँ पे, दालें जो हैं भिगो के, अगर आप भिगोना भूल जाए रात को तो आपको यहाँ मिल जाएंगे। बस शॉपिंग जो है हमारी हो गई है कंप्लीट। मैंने कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल आपको दिखा देती हूँ क्या लिया है, और थोड़े से बिस्किट लिए हैं बेबी के लिए स्नैक्स, मतलब एक दो चीज़ें और ली हैं ग्रोसरी की। और फ्रूट्स वेजिटेबल में तो मैंने सिर्फ 2 ही चीज़ें ली हैं, बाकी हो गया हमारी आज की शॉपिंग ख़त्म। अब चलते हैं पेमेंट काउंटर की तरफ में, और
यहाँ पे फ्रोजन, ये जो फ्रिज दिख रहे हैं आपको दोनों साइड में, इनमें जो है फ्रोजन आइटम होते हैं। अगर आपको बिल्कुल ही रेडीमेड चाहिए बने बनाए, इनको सिर्फ माइक्रोवेव में रखो या ओवन है तो आपके घर में ओवन में रखो और खाने के लिए वे रेडी हैं। चार पाँच मिनट का सब होता है इनमें टाइमिंग, सब पैकेट में इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं अच्छे से किस तरह से हमें पकाने हैं। चलिए काउंटर पे चलते हैं और काउंटर पे भी देखिए जो है यहाँ पे लॉकडाउन के पूरी तरह से पालन किया गया है, ध्यान रखा है। देखो नीचे फर्श पे आपको दिख रहा होगा मार्क्स लगाए हैं कि इतना दूरी पे ही खड़ा होना है, जहाँ पे खड़ा होना है नेक्स्ट को उधर में मार्क लगा दिया गया है, तो उसी से उस मार्क के पीछे ही या उस मार्क पे आपको खड़ा होना है, वो 6 फीट पे है। तो इस तरह से डिफरेंस यहाँ पे मेंटेन किया गया है, यही लॉकडाउन का है, मास्क कंपल्सरी है और दूरी बनाए रखना। शॉपिंग हमारी डन हो गई है, अब हम सामान अपना रख लेंगे, है ना भाई? मेरे बच्चों मेरे लिए वेट कर रहा था। अभी हमने मैं ग्रोसरी शॉपिंग करके लेके आ गई हूँ, मनोज कह रहे हैं दूसरी ग्रोसरी शॉप पे जहाँ से हम लोग मिल्क लेते हैं। मिल्क जो है हम आल्डी से लेते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये ग्रोसरी स्टोर है, इसमें एशियन चीज़ें नहीं है ऑप्शन इतना ज़्यादा, तो सिर्फ मिल्क लेते हैं। मिल्क का प्राइस यहाँ पे काफ़ी ठीक रहता है। हस्बैंड गए हैं लेने के लिए मिल्क और कुछ गार्डनिंग के लिए, मैंने आपको बताया था मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक़ है और मनोज को भी बहुत शौक है। मैंने सोचा तब तक आप लोगों से बात ही कर लें, काफ़ी लेट हो गया है हम लोग को बाहर आके, अभी 1 बजने वाला है और जो है आरों को नींद आने लगी है, उसका सोने का टाइम हो गया है। मैंने उसको कुछ लंच भी नहीं किया है, अभी उसने कुछ स्नैक्स लिया है, मैं खरीद के लेके आई थी बिस्किट्स, मैंने वही इसको थोड़ा दिया है, उसने खा लिया। हमने सोचा था जल्दी जल्दी शॉपिंग करके आ जाएंगे, बट थोड़ा लेट ही हो गया क्योंकि शॉपिंग करने के लिए मैं जो गई थी, अगर मनोज जाता तो फटाक से वही सामान लेके आता जो मैंने बोलना था उसको, पर जब हम लोग जाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ही देखते हैं ये ले लें कि नहीं ले लें, ये भी ले लेती हूँ वो भी ले लेती हूँ। इस तरह से मैं शॉपिंग करके लाई हूँ और आपने देखा कितना सा सामान मैं लेके आई हूँ। उसका प्राइस अगर मैं आपको बताऊँ कितना हुआ है टोटल आज का, सिर्फ एक ग्रोसरी शॉप का, जो कि 1 वीक भी हमारे लिए ज़्यादा इनफ नहीं होती है। तो ये देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से नहीं दिख रहा ना अच्छे से, $46 जो है एक वीक की सिर्फ थोड़े ग्रोसरी, जिसमें हमने मैंने आटा चावल अंडा ब्रेड कुछ नहीं लिया है, मैंने जो है इसमें सिर्फ बेसिक सामान लिया है जिसमें सिर्फ वेजिटेबल है, थोड़े से फ्रूट है और एक दो बेबी के स्नैक्स है, एंड एक मैंने जूस लिया है, बाकी और कुछ नहीं लिया है, सिर्फ इतना ही सामान जो है $46 और $10 टैक्स लग के ये टोटल हो गया है 56 पॉइंट समथिंग का। अमेरिका में लोग बहुत कमाते हैं बट एक्सपेंस जो है ना वो उससे भी ज़्यादा है, कमाने से बहुत मुश्किल होती है, फिर भी आप इस तरह से आप एस्टिमेट लगा सकते हैं रफली अराउंड कि महीने में हमारा ग्रोसरी का खर्चा कितना होता है। बेबी को बहुत नींद आ रही है, बीच बीच में आके बंद कर रहे हैं, सो जा बेटा। क्या प्लानिंग है आज माँ बेटे के? स्ट्रॉबेरी कट रहा है, क्या बनेगा आज? आज का स्ट्रॉबेरी कटेगा, सब में बटेगा। दिस क्या बटेगा? व्हाट इज दिस? दिस इज स्ट्रॉबेरी। आज जी हम बनाएंगे जैम, स्ट्रॉबेरी जैम। कट रही है स्ट्रॉबेरी। अभी बज चुके हैं शाम के ऑलमोस्ट 4 और पापा गए हैं बाहर, मैं आ रहा हूँ बाइक राइडिंग के लिए, बारिश का मौसम हुआ है अभी। शाम के बज चुके हैं 5 और मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी बात करी जाए, ग्रोसरी डे है तो हम लोग अपना पूरा ग्रोसरी का सामान आज के दिन लेते हैं मोस्टली, या फिर मंडे को कभी भी, बट अब की बात खत्म हो गया तो हम फ्राइडे को लेते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है आजकल, जैसे कि आपको पता है जॉब्स नहीं है कुछ नहीं है, तो ये सब मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पर क्या करें, भूखे मरने की नौबत आ गई है यहाँ पे। सब जगह ऐसा हो रहा है, आई नो जॉब्स नहीं है तो प्रॉब्लम तो है ही, पर क्या करें, दिन तो बिताने ही है अब कैसे भी करके। हाय
नो, क्या कर दिया बेबी ने? नो राइस, इट्स अ राइस, यस। ये बदमाशी कर रहा है, इसका टाइम पास का ये है। नो नो मोर, नो मोर, दैट्स इट, फिनिश। इसलिए मम्मी के काम खत्म नहीं होते है ना, मम्मी क्लीन करें और आरव गंदा करें। आरव ना, नो, रोई रोई बेटा, नहीं रोना। आरव इज क्राइंग, देखो जी आरव रो रहा है। आ जा मेरा बच्चा, आ जा, इससे खेल, इससे खेल। क्लीन अप, क्लीन अप, क्लीन अप। ये होएगी तो क्या आ जाएगा? आंट्स, देखो आरव को पता है, आरव को आजकल आइसक्रीम, ये यम्मी, इट्स यम्मी, आरव यम्मी। ये मिल गई मेरे को बोतलें, मैं आरव के लिए ढूंढ रही थी, हमने जो ले रखी है पता नहीं वो मिलेगी कि नहीं। आई थिंक ये वाली है, ये दूसरे कलर अच्छे, ये मिली है, बहुत पसंद है। गाइस, हमने डिनर कर लिया, सारा कुछ हो गया। डिनर में आजकल सिर्फ सूप पिया है और फ्रूट्स खाए गए हैं, और ऐसे ही हमारा सारा दिन बीत गया। घर को थोड़ा सा हमने फिर से नया लुक दिया है, देखना है आप लोगों को, कल की वीडियो में दिखाऊंगी फिर से। नया लुक चेंज किया दिया है, मतलब सामान थोड़ा इधर से उधर कर दिया, तो वो दिखाना है कल करते हैं। आज अभी 9 बज गए हैं रात के, और मेरे को थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी, मैं सुपर टायर्ड हो चुकी हूँ, एनर्जी एकदम लो हो चुकी है, अब जा रही हूँ मैं। बेबी तो अभी सोएगा नहीं, तो मनोज देखेगा बेबी को, और मैं जा रही हूँ सोने के लिए। चलिए तब तक हम जाते हैं सोने के लिए, और मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, और बाय, गुड नाइट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। इसी तरह से मैं वीडियो बना के डालती रहूँगी, आप लोगों को एंटरटेन करती रहूँगी। चलिए फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।